वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि पहले पार्ट में जिक्र किया था कि एक नए पहलू के साथ दोबारा रूबरू होंगे, तो इसी एक छोटी सी कोशिश को आपके साथ शेयर किया है। इसी मार्केट के बैक साइड में एक पैरेलल लेन है जहां फर्नीचर में फिनिशिंग टच, रिफर्बिशिंग और डिस्ट्रेस्ड लुक देने का कार्य चलता रहता है। क्या पेंट कर रहे हैं आप? कलर मिला रहा हूँ। डिस्ट्रेस बना रहे हैं क्या? हाँ, ये निकाला जाएगा ना, बहुत ही डिजाइन है, इसको बाहर निकालेंगे, इसके साइड साइड में कलर मिला रहे हैं, अभी वो वाइट वाइट सा निकालेंगे बाहर। ये टाइल्स हैं, इसमें फिक्स कर रहे हैं। फिनिश कर रहे हैं जी, फिनिशिंग हो रहा है। यहाँ मिलने वाले वो सभी आकर्षक सामान जो हमारे घरों के इंटीरियर की खूबसूरती बढ़ाते हैं, जाहिर है उसके पीछे इन्हीं तमाम कारीगरों की मेहनत का ये नतीजा है। आपका नाम क्या है? संपत। कि कब से काम कर रहे हैं? 40 साल तक तो ही है, 56 साल काम हो गए हैं। आप क्या कर रहे हो? टेबल है, टेबल है, बनाने जा रहे हैं। 20 साल कहाँ रहे थे? कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, क्या रेडी कर रहे हैं? ये कंसोल टेबल है, इसमें दो ड्रॉर है, ऊपर मार्बल आएगा। इसके पीछे इतनी सारी मेहनत होती है ना? मेरा महेंद्र नाम है। अरे हो गया 20-25 साल। ये क्या बना रहे हैं? बैग। हालांकि हाथों से की गई कारीगरी में वक्त काफ़ी लग जाता है और बनने वाले सामान की लागत भी बढ़ती है, इसकी जगह अब मशीनें लेती जा रही हैं और समय के साथ इनका हुनर भी अब धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। मेरा नाम अंगद है। एक कंसोल है, इसकी फिनिशिंग कर रहे हैं। इन कारीगरों की चर्चा कम ही होती है और आधे से ज्यादा जीवन मुफलिसी में ही गुजर जाता है, लेकिन ये हुनरमंद मेहनत करके गुजर बसर कर रहे हैं और इनके जरिए इन्हें अपना जीवन यापन का एक आधार मिला है। और इनके प्रोत्साहन के लिए इस एक छोटे से प्रयास को देखने के लिए आपका शुक्रिया।